दोस्तों मेरी माँ दुर्गा ज्ञान की वाणी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर कहा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी आप बाहर जाकर फिल्में देख सकते हैं, वो भी बड़े पर्दे पर, तो शायद आपको विश्वास ना हो लेकिन ऐसा किया जा सकता है और आप अपनी पसंदीदा मूवी को बड़े पर्दे पर देखकर लुत्फ उठा सकते हैं। देश में लॉकडाउन को लगे एक महीने से ज्यादा हो गया है और सिनेमा घरों को बंद हुए तो 2 महीने के करीब होने जा रहे हैं और हर कोई घर पर बैठकर अपना समय बिता रहा है। ऐसे में जिन लोगों को फिल्म देखने का शौक है वो काफी मायूस हैं। जो लोग हॉल में फिल्म देख मस्ती करते थे, अब कोरोना के चलते वो सब थम गया है। देश में इस समय कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन में ज्यादा ढील की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। ऐसे में सिनेमा हॉल अभी जल्दी तो नहीं खुलने जा रहे हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी आप बाहर जाकर फिल्में देख सकते हैं, वो भी बड़े पर्दे पर, तो शायद आपको विश्वास ना हो लेकिन ऐसा किया जा सकता है। दोस्तों ऐसा ड्राइव इन थिएटर के जरिए मुमकिन किया जा सकता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर क्या होता है ड्राइव इन थिएटर। दोस्तों ड्राइव इन थिएटर के जरिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर सकते हैं और बड़े पर्दे पर फिल्मों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बता दें कि ड्राइव इन थिएटर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कोरोना के बीच इसका चलन दुनिया में फिर तेजी से बढ़ रहा है। ड्राइव इन थिएटर में इंसान अपनी गाड़ी में बैठ फिल्मों का लुत्फ उठा सकता है। ड्राइव इन थिएटर में इंसान अपनी गाड़ी को बस पार्किंग स्थल में लगाता है, वहाँ और भी कई सारी गाड़ियाँ लगी होती हैं। आप गाड़ी के सामने एक बड़ी स्क्रीन पर ही फिल्म दिखाई जाती है। ऐसे में कई सारे लोग एक समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फिल्म देख पाते हैं। अभी हाल ही में लिथुएनिया के एयरपोर्ट विल्नियस को ड्राइव इन थिएटर में बदल दिया गया था। ये कदम कोरोना के चलते ही उठाया गया था क्योंकि फ्लाइट्स चल नहीं रही थी और सिनेमा हॉल बंद थे। यही ट्रेंड साउथ कोरिया, जर्मनी और अमेरिका में देखने को मिल रहा है। किसी जमाने में ड्राइव इन थिएटर कपल्स के लिए माना जाता था क्योंकि इससे हर किसी को अपनी प्राइवेसी मिल जाती थी, लेकिन कोरोना के वक्त में इस ड्राइव इन थिएटर के जरिए लोग फिल्म देख सकते हैं। इंडिया में फिल्म देखने का अंदाज ही बदल जाएगा। इंडिया की बात करें तो यहां पर अभी गुरुग्राम, अहमदाबाद और मुंबई में ड्राइव इन थिएटर का इंतजाम है, लेकिन इसे ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है और न ही अभी लोग इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक सिनेमा हॉल नहीं खुलते हैं तो भारत में भी फिल्म देखने का अनुभव हमेशा के लिए बदल सकता है और आप भी गाड़ी में बैठ परिवार संग फिल्मों का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि अब आप जान गए होंगे कि क्या होता है ड्राइव इन थिएटर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।